तो दोस्तों मैं वीडियो बना बना के थक गया था, पर एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा था और इसी कारण मेरा दिमाग खराब हो गया कि अब वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ। लेकिन मैंने अब YouTube चैनल को छोड़ने का भी सोच लिया था। कुछ देर तक मैं पागल की तरह हो गया। आज इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वीडियो वायरल क्यों नहीं हुआ, ये सोच सोच कर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर मैंने एक लंबी सांस ली और दिमाग को शांत करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करने के बारे में सोचा। फिर क्या मैं गया स्नैपडील के ऐप पर घर को डेकोरेट करने के लिए कमल के फूल के बीज का ऑर्डर दे दिया। हाँ, मुझे पता है ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। इन फूल की रेट की बात करें तो ये मुझे मिले बहुत ही कम राशि में, वो भी कुल 84 रुपयों में। तो कुछ दिनों के बाद डिलीवर बॉय ने मेरा ऑर्डर मुझे अपने हाथों में थाम दिया था। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की बहुत सुंदर पैकिंग में ये कमल के फूल मुझे दिए गए हैं। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पन्नी को हटाने के बाद हमें एक बीज का पाउच मिलता है और इसे भी फाड़ देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के कमल के फूल के बीज होते हैं जो को मैंने तो पहली बार देखे ही। दोस्तों इसकी गाइडलाइन के अनुसार बीजों को बीज के ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस तरह घिसना होगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद कुछ अंदर से सफेद सफेद हिस्सा दिखाई देगा। हम सभी बीजों को पीसकर साफ करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में भारत के राष्ट्र फूल का नाम कमेंट में बता देना। तो फिर सभी को जिसने के बाद उनको 4-5 दिनों के लिए पानी में कुछ इस प्रकार डालकर रखना होगा। हम इनको रख देते हैं। 4-5 दिनों के बाद हम आपको बता देंगे को कमल के बीज से कोई फूल की कली निकली या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।